ले चलते हैं आपको इतिहास के पन्नों में, अमरावती का दर्शन कराने। समुद्री सतह से 1118 फुट की ऊंचाई तथा 20.56 दशांश उत्तर की ओर तथा 77.47 रेखांश पूर्व की ओर बसा यह नगर मुंबई से 641 किलोमीटर दूर तथा नागपुर से 156 किलोमीटर दूर है। राष्ट्रीय महामार्ग 6 पर बसा यह नगर, यहाँ की बारिश औसतन 34 से 40 इंच तथा तापमान अधिकतम 45 डिग्री तक होता है। इस महानगर की जनसंख्या अंदाजन 9 लाख के करीब है। भोज शाखा के विदर्भ नामक क्षत्रिय ने कौंडण्यपुर में अपना राज्य स्थापित किया। इनकी अनेक पीढ़ियों के राज्यारोहण पश्चात इस कुल में इंदुमती नामक राजकन्या हुई, जिसका विवाह प्रभु रामचंद्र के पितामह अजर नृपति से हुआ। भगवान राम का रघुकुल और भगवान कृष्ण का यदुवंश, ये दोनों ही कुलों के विवाह के लिए विदर्भ कन्या का ही वरण करना पड़ा, यानी रिश्ते में दोनों ही कुलों के ननिहाल विदर्भ में ही थे। सुंदर सुसंस्कृत विदर्भ की कन्याएं अद्वितीय थी। अगस्त ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा व नल राजा की पत्नी दमयंती भी विदर्भ की ही राज्य कन्या थी। कौंडण्यपुर के इस घराने के राजा भीष्मक की कन्या रुक्मणी, जिसके स्वेच्छा से भगवान श्री कृष्ण ने अमरावती के जंगलों में स्थित माँ अंबा के मंदिर से हरण किया, औदुम्बर के पेड़ों के घनघोर जंगलों में घिरा यह ग्राम उदुम्बरावती कालांतर में अमरावती कहलाया। ईस्वी सन 772 के राष्ट्रकूट घराने के ताम्र पत्र में रानी उदुम्बरावती का उल्लेख और सोमेश्वर चौक के आदिनाथ जैन मंदिर के पूज्य तीर्थंकर की संगमरमरीय मूर्ति पर ईस्वी सन 1097 स्थापना का शिलालेख, 13वें शतक में गुरु गोविंद प्रभु व ईस्वी सन 1660 में पूज्य जनार्दन स्वामी द्वारा मां एकवीरा देवी की स्थापना, गंभीरपुर हनुमान मंदिर और 1658 में औरंगपुरा की जुमा मस्जिद का निर्माण इस गांव के अस्तित्व की जुबानी है। सन 1707 तथा 1722 में भीषण अकाल पड़ा, इसके कारण संपूर्ण उदुम्बरावती उजाड़ हो गई। सन 1722 में यह मुल्क राणोजी भोसले को इनाम में दिया गया। इससे पूर्व परगना बदनेरा बीबी में उमरावती एक छोटा सा कस्बा था। राणोजी भोसले ने सन 1772 में इसके विकास के लिए पक्की दुकानों की चाल निर्मित की, जिससे अमरावती कस्बा अमरावती पेठ बना। सन 1745 में आकोला के तालुकदार ने हजारों लोगों को आकोला से निकाल दिया। उन्हें अमरावती के रघुजी राजा ने आसरा दिया। रघुजी राजे की गढ़ी आज के कुंभारवाड़े के पास स्थित थी। करीब मध्य भारत में व्यापारी मार्ग पर स्थित होने के कारण उमरावती के प्रगति की संभावना प्रबल हो गई। बस्ती बढ़ी, व्यापार बढ़ा, व्यापारी बढ़े, समृद्धि बढ़ी, तो चोर और डाकू लुटेरे भी आकर्षित हुए बिना कैसे रह सकते थे। करीब 13 नवंबर 1805 में चिस्तू पिंडारी ने अपने 2000 साथियों संग अमरावती नगर लूटने की योजना बनाई, जिसकी जानकारी नगरवासियों को होते ही वे अपना कीमती माल असबाब माल टिकड़ी पर छुपा आए, कुछ जान बचाकर जंगलों में भाग गए। चिस्तू पिंडारी ने पूर्व नियोजित योजना अनुसार अमरावती लूटने नगर प्रवेश किया। नगर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने नगर को लूटने से बचाने की योजना बनाई,
और चिस्तू पेंडारी का भव्य राजेशाही स्वागत किया और उस जमाने में उसे 7 लाख रुपए का नजराना दिया, जिसके कारण इस नगर की रक्षा हुई। कहते हैं नगर की प्रतिष्ठित मंडली का नेतृत्व सेठ धनराज पोकरमल गनेड़ीवाल ने किया। 60-40% की हिस्सेदारी का यह वतन निजाम और भोसले की दो हुकुमी राज्य व्यवस्था से त्रस्त था। नगर की सुरक्षा के लिए एक परकोटा बनाकर नगर को संरक्षण देने की योजना सन 1806 में बनी और ₹4 लाख के खर्च से सन 1821 में पूरी हुई। 20 से 26 फुट ऊंचाई का यह परकोटा, जिसकी लंबाई 2.25 मील है, इस परकोटे में 5 महाद्वार तथा 4 खिड़कियां हैं। ये 5 महाद्वार इस प्रकार है: अंबा गेट, भुसारी गेट, खोलापुरी गेट, महाजनपुरी गेट, नागपुरी गेट, और 4 खिड़कियों में माता खिड़की, खुनारी खिड़की, पटेल खिड़की, छतरपुरी खिड़की। ये 4 खिड़कियां शहर को सुशोभित कर रही थी। इस परकोटे के निर्माण के पश्चात अंग्रेजों के कार्यकाल में कोई बड़ी लूटमार या घटना की जानकारी इतिहास के पन्नों में नहीं मिलती। सन 1853 में हैदराबाद के निजाम ने यह प्रदेश अंग्रेजों के हवाले किया। बाद में निजामत बदली, व्यवस्था बदली, अपनों को छोड़ अंग्रेजों का राज्य आया। भारत माता गुलामी के जंजीरों में जकड़ दी गई। सन 1947 तक अंग्रेजों का राज्य रहा। उन्होंने अपनी राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने तार, टपाल, टेलीफोन, रेलवे आदि आधुनिक व्यवस्था का विकास किया। सन 1857 के करीब वालकट, जाफरजी, रैलिस, मोफिसल आदि जिनिंग प्रेसिंग फैक्ट्रियों की स्थापना हुई। 24 जून 1907 में संपूर्ण परकोटा गिरा देने की योजना अंग्रेजों ने बनाई, लेकिन नगरवासियों की जागरूकता के कारण सफल न हो पाई। जगह जगह स्वतंत्रता संग्राम का समय शुरू था। विदेशी हुकूमत का बहिष्कार हो रहा था। वर्षों के प्रयत्न से देश आजादी की राह पर चल पड़ा था। फूट डालो और राज्य करो की नीति के पासे फिर एक बार फेंकते अंग्रेजों ने वराड सोन्याची कराड दिनांक 23-2-1768 के करार के अनुसार यह प्रदेश हैदराबाद के निजाम को सुपुर्द करना चाहा। निजाम अपना संपूर्ण प्रदेश पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। अगर ऐसा होता तो आज आप और हम पाकिस्तान में होते, लेकिन विधि को यह विधान मंजूर नहीं था और हम आजाद हुए, भारतवासी ही रहे। 14 अगस्त 1947 रात 12:01 यानी अंग्रेजी गणना के अनुसार 15 अगस्त 1947 को वर्षों की गुलामी के बाद दिल्ली में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का पदभार जवाहरलाल नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन से संभाला तथा लाल किले की प्राचीर पर प्रथम स्वतंत्र भारत का ध्वजारोहण हुआ। ठीक उसी समय स्थानीय भुसारी दरवाजे पर अस्थाई ध्वज स्तंभ निर्मित करके नगराध्यक्ष वीर वामनराव जोशी ने ध्वजारोहण किया। तो मित्रों, आपने उदुम्बरावस्ती से अमरावती तक का संक्षिप्त इतिहास देखा सुना। आपको यह एपिसोड कितना पसंद आया हमें जरूर लिखिए, SMS दीजिए। हमारा पता है धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।